सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी को लेकर। आप लोग देखो भी एनएचपीसी है, एसजेवीएन है, आज हमें तेजी दिखाती हुई नजर आई। ओपनिंग ठीक हुई, ठीक है, 2% के करीब तेजी बनी, 2.5% के करीब। उसके बाद आप लोग देखोगे लास्ट में जाते जाते जो स्टॉक है वो हमें गिरावट में जाते हुए नजर आ गया भाई, ठीक है, हल्के फुल्के क्रैक्स में, ज़्यादा नहीं हुई है। तो ऐसे में बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं आखिरकार क्यों टूटा भाई। और मैंने आपको पहले भी एक बात बोली, स्टॉक जो है लगभग 30% टूट चुका है, 25 से 30% अपने 52वें हाई से जो कि 116 के आसपास का ना, वहाँ से फिसल चुका है। और बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं एनएचपीसी भी सेम टूटा और एसजेवीएन भी, ठीक है, बहुत से भाइयों कमेंट आ रहे हैं इस गिरावट में क्या करें। देखो भाई, मैंने आपको पहले भी एक ही बात बोली थी, अब भी मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अगर लेवल्स पे काम करना है तो लेवल्स पे काम करो, ठीक है। और जिनको चलना लॉन्ग टर्म के लिए वो तो देखो भाई ऐसे ही मौके ढूंढते हैं कि भाई कहाँ पर मौके मिले फ्रेश एंट्री के, ठीक है, कहाँ पर मौके मिले फ्रेश एंट्री के, क्योंकि हमेशा एंट्री जो ली जाती है वो ऊपर से नीचे मिली जाती है, न कि ऊपर के भाव में। ये आप लोग क्लियर करो भाई कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है। और जो रिटेल निवेशक है वो एंट्री के मामले में आकर जो ना भी फंसते हैं, एंट्री वो क्या करते हैं, हाई प्राइस एंट्री कर लेते हैं तेजी देखकर, ठीक है, लेकिन उसका उल्टा करना होता है भाई। जो ये बड़े प्लेयर होते हैं, ठीक है, बड़े निवेशक कैसे पैसा बनाते हैं, आप लोग क्या करते हो, आप लोग तेजी में स्टॉक को पकड़ते हो, इनका वहाँ से निकलना होता है। और हमारा क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, जब स्टॉक टूटने लग जाता है, पेशेंस ख़त्म, एकदम में सारा पैसा लगा देते हैं एक भाव में, फिर जब से जैसे स्टॉक टूटता है तो हमारी जो हवा है वो टाइट होने लग जाती है, फिर नीचे आता आता देखकर बेचने का मन कर जाता है भी, 15-20% टूटेगा स्टॉक हाई प्राइस से, तो भी वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। और कुछ भी हमारे पास चारा ही नहीं होता है, कहीं स्टॉक और ना टूट जाए, फिर इधर उधर की खबरें आती हैं निकल निकल कर, स्टॉक ये हो गया, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, इसका वो है, इसका वो हाई है, इसका वो लो है, फिर सारा का सारा दिमाग भ्रष्ट और हम वहीं पर आकर जो ना भी अपना पैसा निकाल लेते हैं, फिर देखने को मिलता है कि स्टॉक वहाँ से फिर चल पड़ा। तो यही होता है, क्योंकि भाई ये जो बड़े प्लेयर है बस इसी बात में बैठकर देखते हैं कब साला नीचे में मिले स्टॉक और हम उठाएं। और वही होता है, नीचे के भाव में खरीदारी होती है और ऊपर में फिर ये ऊपर निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एक अच्छे ट्रेडर बनने की बजाय आप लोग एक अच्छे इन्वेस्टर बनिए, और इन्वेस्टमेंट में ही अच्छा पैसा है भाई, ठीक है। और जो ट्रेडर है यानी ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे कर लिया भाई, स्विंग ट्रेड कर लिया, ठीक है, ऐसे जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उन्हें देखो भाई पैसा बनता वहाँ पर भी है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत, ठीक है। और अगर आप लोग एक अच्छे इन्वेस्टर हो तो एक बार सारा बैलेंस शीट देखा, ठीक है, कंपनी के बारे में थोड़ा समझा, उसके बाद पैसा लगाते हैं। तो इसी प्रकार से ये स्टॉक एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। और भी बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो 30% प्लस जो ना भी टूट चुके हैं, लिस्ट मैंने जारी कर दी, आपको दिखा देंगे इस वीडियो में। और जो भी भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो सकता है, जहाँ पर हम जो ना भी आपको अभी ये इस गिरावट के अंदर मार्च महीने में मैंने बोला था कि मार्केट बहुत बड़ा मौका देगा, ठीक है, और वो मौके अभी के टाइम है भाई, ठीक है। और इस लास्ट वीक में हमें थोड़ा थोड़ा करके एंट्री लेनी है, एकदम से पैसा कहीं नहीं लगाना है। जो भी स्टॉक अच्छी खासी करेक्शन में है 10-15 शेयर लेकर पोर्टफोलियो में रखिए, और टूटे थोड़े और ऐड कर लो, और टूटे थोड़े और ऐड कर लो, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में ऐसा करना है। ऐसा नहीं कि भाई वगैरह स्टॉक उठाया और उसके अंदर पैसा लगाया, नहीं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक। और आपको मैंने जो ना भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है टेलीग्राम का, ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप लोग देखो, कुछ एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक मैंने आपके लिए तैयार किए थे, ठीक है, टेलीग्राम पर मैंने कल रात को इसका जो ना भी डाल दिया था, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग वीडियो को पॉज करके। ये कुछ एक अच्छे स्टॉक्स हैं जो इसी गिरावट में हमें जो ना भी खरीदारी के लिए चुनने चाहिए, लेकिन एकदम से पैसा नहीं लगाना है, हल्का फुल्का एंट्री लेते हुए रहना है भाई। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका डाटा वगैरह, चार्ट वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी स्टॉक में एक ऊपर से डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है, या तो इसको ब्रेक आने का वेट कर लीजिए, 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट निकालो और उसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, फिर नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है वो 75 रुपये के आसपास का है, और इसके नीचे में भी अगर स्टॉक है इसके आसपास भी आए तो भी बेचना नहीं है, भी थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचना, ठीक है। ऊपर में जो इसका रेजिस्टेंस है वो बना हुआ अभी 89 रुपये के आसपास का, ब्रेक होकर सस्टेन करेगा तो स्टॉक 100 रुपये के आसपास जाने के चांस बनेंगे, और 100 को ब्रेक करके एक बार सस्टेन कर गया तो 115 से 125 तक के मूव हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में स्टॉक में पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो जिस बिजनेस से कंपनी बिलोंग कर रही है उसमें आप लोग देखो आने वाले टाइम में किस प्रकार से लगातार टेंडर्स पर टेंडर निकल रहे हैं, ठीक है। सोलर इंडस्ट्री के अंदर बहुत तगड़ा रेगुलेशन आने वाला है, इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से बिल्कुल मत चूकना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।